नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं अमरनाथ समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त ताजा। फूलपुर आजमगढ़ छठ महापर्व आजमगढ़ समेत पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। बुधवार को डूबते सूर्य को अघड़ी देकर व्रती महिलाओं ने संतान की सुख समृद्धि की कामना की। आजमगढ़ ब्यूरो की रिपोर्ट। महिलाओं ने डूबते भगवान सूर्य का पहला अघड़ी दिया। गुरुवार को उगते सूर्य को अघड़ी देकर महिलाएं परिवार के मंगल की कामना की। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के तालाब के घाटों पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा। इस दौरान SDM से लेकर राजनीतिक दल के लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पीछे नहीं रहे। नगर पंचायत फूलपुर के बस स्टॉप स्थित नागा बाबा सरोवर पर भारत रक्षा दल के तत्वाधान में तो वहीं शनिचर बाजार के पीपरहवा घाट पर मां दुर्गा छठ पूजा समिति के साथ ही उचवा सोनकर बस्ती में छठ पूजा समिति के नेतृत्व में किया गया। तीनों स्थानों पर दिनकर दिवाकर भगवान भास्कर की प्रतिमा लगाई गई है। पूजा समिति के लोग साज सज्जा धमनी विस्तारक यंत्र से व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। अंस्तचल भगवान भास्कर को व्रती महिलाओं ने अघड़ी दिया। इस अवसर पर तीनों पूजा स्थलों पर मेला सा दृश्य बना रहा। व्यवस्थित व्यवस्था के लिए जहां कमेटी के सदस्य लगे रहे, वहीं पुलिस प्रशासन, महिला पुलिस, SDM ज्ञानचंद गुप्त कोतवाल, धर्मेंद्र कुमार पांडे शांतिपूर्ण से पूजा व्यवस्था को संपन्न कराने हेतु लगे रहे। इस अवसर पर भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, उमेश सिंह गुड्डू, अमित गुप्ता, दिनेश राय, रवि प्रकाश, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, अजय जायसवाल, राजेश मोदनवाल, मुकेश मौर्य, अंशुमान जायसवाल, सुरेश धारिया, विष्णु मोदनवाल, मनोज श्यामजी मोदनवाल, अंगद सोनकर, निरंजन, सुधीर रावत, दुर्गेश अग्रहारी आदि लोग उपस्थित थे। अपने कमेटी के सदस्यों का नाम लेंगे, इनके सहयोग से भारत रक्षा दल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और वर्णन करता है। अपने अपने कार्यों पर मुस्तैद होना, प्रशासन के जितने भी कार्य करते सुधारे के बाद भी देखिए हमारे हाथ में मन्नत समाचार के चंदन मोदनवाल जी उसको माताएं दल देंगी। Thank you.
बेंच बना वाले हैं। आप लोग नीचे है, ध्यान में रहे, हो सकता है चिड़ी हुए हमें।